नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज के उदवा में अवैध वसूली भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने की मांग। जिले के उदवा प्रखंड में विभिन्न कार्यों में हो रहे लूट खसोट में अंकुश लगाने की एक अनूठी पहल आरंभ की है। सभी कार्यों में अंकुश लगाने को लेकर प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, बुद्धिजीवियों की एक बैठक उदवा प्रखंड सभागार में शनिवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारिणी सदस्य बसंती हांसदा ने किया। इस दौरान बैठक में भ्रष्टाचार, मनमानी, अवैध वसूली समेत कई अवैध कार्यों में रोक लगाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित लोगों ने इस कार्य में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए एकजुट होकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की हर तरह से प्रयास करने की बात कही। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य अधीर कुमार मंडल ने कहा कि उधवा प्रखंड क्षेत्रों में इन दिनों भ्रष्टाचार, मनमानी, मनरेगा योजनाएं, लूट खसोट, बालू की अवैध वसूली चरम सीमा पार कर गई है। कहा कि इस अवैध कार्यों में रोक लगाने को लेकर सभी को एकजुट होकर भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष एनुल हक अंसारी, गोपाल ठाकुर, टीपू सुल्तान, सकल हेम्ब्रम, बाबुल अख्तर, जहांगीर आलम, अताउर रहमान, गौरंग मंडल, अब्दुल बहाव समेत अन्य मौजूद थे। उधवा से गौरंग मंडल की रिपोर्ट।